हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज 4 दिन की यात्रा को पूरा करके आ गए हैं श्री शनि महाराज को लेके। हमारे बांदे बाजार में पहुंच चुके हैं। देखिए जस्ट अभी पहुंचे हैं ये, अभी सुबह के यहाँ पर 10:30 बज चुके हैं और अभी ये 4 दिन की यात्रा को पूरा करके आज यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए हमारे बांदे बाजार में शनिदेव महाराज जी पधारे हैं, उनकी जो मूर्ति है उसे यहाँ पर लाया गया है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर हम उनका स्वागत कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं ये गई थी उन्हें लाने के लिए शनि शिंगलापुर में। तो देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है शनि जी की यहाँ प्रतिमा और साथ में हनुमान जी की भी मूर्ति को यहाँ पर लाए हैं। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से इनका स्वागत कर रहे हैं। पूरे जो बाज़ार की महिलाएं हैं वो सब आए हैं, यहाँ पर इनकी आरती की जाएगी, इनकी पूजा की जाएगी। और फ्रेंड्स डीजे वगैरह भी यहाँ पर बज रहा है, पर मैंने उसे मतलब साउंड में नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर बहुत धूमधाम से इनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए हम यहाँ पर उनको माला चढ़ा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर माला चढ़ा रहे हैं, उन्हें उनकी आरती की जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे बम फटाके भी यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा खुशी है फ्रेंड्स, क्योंकि पहली बार हमारे बांदे बाज़ार में श्री श्री शनिदेव जी आए हैं, उनकी प्रतिमा को यहाँ पर लाया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा हर्ष की बात है। हर कोई आज बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा है, सबके मन में बहुत ज़्यादा आज खुशी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए इनके भी आरती वगैरह की जा रही है। इन्हें ना फ्रेंड्स वहाँ से लाया गया है, इस तरह से गाड़ी में लेके आए हैं। और इन लोग ना रविवार को गए थे और आज बुधवार गुरुवार है, आज गुरुवार हो चुका है, तो 4 दिन इनको लग गया आने में। और ये देखिए इनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है कि बस देखने को मन कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अब इनकी यात्रा जा रही है मंदिर तरफ, जहाँ मंदिर बना है। तो देखिए हम अभी सभी वहाँ चल के जाने वाले हैं, मंदिर तक हम जाएंगे, उनकी आरती करते हुए हम मंदिर तक जा रहे हैं फ्रेंड्स। हम अभी मंदिर पहुँच जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ उनका भव्य मंदिर इस तरह से तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आज बस मंदिर में और कुछ काम बचा है उसे कर लेंगे और आज प्रतिमा को नहीं बिठाया जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल। फ्रेंड्स आज दूसरे दिन सुबह के 10 बजे से ही हम निकल गए हैं भगवान श्री शनि महाराज के लिए, यहाँ पानी भरने के लिए, गंगा पानी भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी जो पद यात्रा है ये स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स हमारे डैम जो जहाँ से पानी भरेंगे वो डैम बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो देखिए अभी ये जो हमारी यात्रा है अभी वही जा रही है। और यहाँ देखिए आपने सभी ने यहाँ पर ब्लू कलर की साड़ियाँ पहनी है, सभी जो लेडीज़ है सब ने ब्लू कलर की यहाँ पर साड़ियाँ पहनी है और बहुत ही ज़्यादा सभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए आप, और सबके हाथों में कलश है फ्रेंड्स। यहाँ पर 108 कलश चाहिए, तो यहाँ पर महिलाएँ कलश ली है और कलश के ऊपर आम के पल्लव और उसके ऊपर एक नारियल लेके सभी अभी कलश को खाली कलश को लेके सब डैम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ से फिर हम लोग भगवान जी के लिए पूजा करके फिर वहाँ से पानी लाएंगे और शनिदेव को यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो इसीलिए चल रहा है। और सामने आप देख रहे हैं कि डीजे बज रहा है, सामने डीजे चल रहा है, डीजे की गाड़ी चल रही है और पीछे पीछे हम सब चल रहे हैं यहाँ पर नाचते हुए गाते हुए। शनि जी की जो आरती है उसका भजन यहाँ पर करते हुए हम सब जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखिए कितनी सारी लेडीज़ है यहाँ पर, सारे जितने भी हैं सब आ गए हैं और यहाँ सब उनका नारा लेते हुए शनि महाराज की जय करते हुए हम सब चल रहे हैं। और यहाँ देखिए सबने काले रंग का दुपट्टा यहाँ सबके लिए लाए थे, तो सबको दिया गया है यहाँ पर। और मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइन कितनी लंबी है और कितने सारे लोग हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए
और आपको मैं दिखा रही हूँ वहाँ तक, बहुत दूर तक आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए लंबी लाइन, ये देखिए ऊपर तक, ऊपर से भी नीचे तरफ आ रहे हैं सभी, तो इतनी लंबी लाइन है यहाँ पर। और श्री शनि महाराज के लिए सभी यहाँ पर पैदल, और सभी के फ्रेंड्स किसी ने चप्पल नहीं पहना है, सभी खाली पाँव यहाँ पर आए हैं पानी यहाँ भरने के लिए यहाँ पर। तो हम देखिए डैम पहुँच गए हैं फ्रेंड्स, ये हमारा डैम है। ये देखिए यहाँ से पानी की पहले यहाँ पूजा की जाएगी, उसके बाद यहाँ कलश में पानी भर लेंगे सबके लिए। तो हम यहाँ, मैं डैम आ चुकी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत बड़ा डैम है फ्रेंड्स, देखिए बहुत बड़ा डैम है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आज सभी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि सभी यहाँ पर सज धज के आई है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं सभी। और यहाँ देखिए गंगा पूजा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, सिंदूर, फिर दूध, फिर तेल, और फिर फूल, पान, सुपारी, और फिर अगरबत्ती, दिया से हम गंगा पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। पहले गंगा पूजा को कर लेंगे, उसके बाद ही सभी के कलश में यहाँ पर पानी भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ जो डैम का पानी है, सभी को, सभी के ऊपर डाला जा रहा है, कि सभी यहाँ पर डाल रहे हैं। और उसके बाद अभी देखिए कलश को यहाँ पर भर के और दे रहे हैं, सभी का कलश यहाँ भर देंगे। और सबको यहाँ पर अभी सिर पर लेना है पानी भरने के बाद। देखिए सब लोग अभी यहाँ सिर पर भर भर के अपने सिर पर ले लेंगे, देखिए। और कितना अच्छा नज़ारा है, आप लोग देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कितना उत्साह है सब में, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सब में भक्ति है, उत्साह है कि श्री शनि महाराज के लिए आए हैं हमारे बांदे में, तो हम उनका इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर स्वागत करें। और ये देखिए लाइन लग गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखिए। और ये सबके सर पे कलश लेके अभी सभी चल रहे हैं। और इतनी धूप है फ्रेंड्स यहाँ पर, फिर भी किसी को मतलब पता नहीं चल रहा है, सभी खाली पाँव बस भगवान जी के नाम में चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो बस अभी हम डैम के ऊपर में आ गए हैं, इधर देखिए। और ये यात्रा अभी चल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए किसी को भी थकान नहीं हो रहा है, बस सब नाचते गाते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डीजे भी बज रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, उन्होंने भी कलश को लिया है, तो बहुत सारा यहाँ पर कलश में पानी भरा गया है, और बहुत सारे लोग हैं आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस अभी हम चल रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है, बस अभी हम बाज़ार के अंदर अभी पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए सभी लोग यहाँ पर है ना नाच रहे हैं, नाच गान भी कर रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ लेडीज़ लोग यहाँ पर नाचे गाना भी कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुशी का ये मौका है फ्रेंड्स। और ये मंदिर ना फ्रेंड्स, बहुत दिन से ये बन रहा था, और अभी जस्ट ये बन के अभी ही तैयार हो गया है। तो आज ना उनका मंत्र, तो उन्हें बैठाया जाएगा शनिदेव महाराज की, आज जो प्रतिमा है उसको स्थापना की जाएगी, इसीलिए ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। और आज का कार्यक्रम सारा दिन का ही होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ये कलश ले जाएंगे वहाँ पर। देखिए हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, देखिए कलश लेके हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अभी इन सारे कलश को यहाँ से सजा के रखा जाएगा, और फिर यहाँ पर जो शनि जी महाराज है उनकी स्थापना, उनकी मूर्ति की पूजा यहाँ पर आज की जाएगी। तो सारी महिलाओं के कलश को यहाँ पर सजा के रख देंगे देखिए। और यहाँ पर जो बड़ का पेड़ है, इसके भी चारों तरफ प्रतिमा की जा रही है। देखिए यहाँ पर भी प्रतिमा की जा रही है, और यहाँ पे ना हवन किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे साधु संत यहाँ पर आए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो वट पेड़ है, इसकी भी परिक्रमा करके इनकी भी पूजा की जा रही है। ये मंदिर के बिल्कुल पास में ही है फ्रेंड्स, मंदिर के। तो ये जो साधु महाराज जी लोग आए हैं, ये बहुत दूर से आए हैं इन लोग, तो यहाँ पर इन लोग सारा दिन यहाँ पर हवन करने वाले हैं। तो देखिए आज ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी देखिए मैं आपको मंदिर तरफ ले जा रही हूँ, और यहाँ पर
शनिदेव महाराज की प्रतिमा के लिए यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं, और ये मंत्र भी चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं। हमेशा के लिए भगवान जी हमारे बांदे बाजार में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, तो उनका बहुत अच्छी तरह से और सारे नियम और सारे तरीक़ों से इनको अच्छी तरह से यहाँ पर बैठाया जाएगा, तो फिर हम यहाँ आकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ बनाया गया है, देखिए। और अभी हम यहाँ पूजा करने भी आ सकते हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारे कलशों को रख दिया गया है, और अभी फ्रेंड्स बज गए हैं दोपहर के, यहाँ पे 3 बज चुके हैं और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ सभी के लिए प्रसाद बन रहा है क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। हम सारी लेडीज़ यहाँ पर उपवास है फ्रेंड्स, तो यहाँ सबके लिए खिचड़ी का यहाँ व्यवस्था की गई है, देखिए सबके लिए यहाँ पर खिचड़ी की व्यवस्था की गई है, और अभी सभी को यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद दिया जाएगा। और इससे पूजा तो सारा दिन और रात तक होगी, पर अभी सब लोग थक गए हैं तो यहाँ पर सबको थोड़ा सा प्रसाद वगैरह भी दिया गया है कि खा के फिर आप लोग सब बैठ जाए। तो फ्रेंड्स मैं लेती हूँ आपसे विदा, बाय बाय।